फिफ्टेंथ प्रॉब्लम कर देता हूं मैं. इन द बेसिक मीडियम CrO4 टू नेगेटिव ऑक्सीडाइज H2O3 टू नेगेटिव टू फॉर्म. बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन हो रहा है टू फॉर्म CrOH होल 4 नेगेटिव प्लस SO4 टू नेगेटिव. हाउ मेनी ml ऑफ 0.15 मोलर Na2CrO4 would are required with 40 ml of 0.24 molar Na2S2O3. देखिए खास इस चैप्टर का एडवांटेज आप जरूर देखिए. एंड दैट एडवांटेज इज कि आपको रिएक्शंस कई तरह की देखने के लिए मिलेगी. इन रिएक्शन को मैं कभी रटने के लिए नहीं कहूंगा, मैं इन रिएक्शन को याद करने के लिए नहीं कहूंगा, बस इन रिएक्शन पर हर प्रॉब्लम में हर बार करते समय, करने के पहले, करने के दौरान और करने के बाद रिएक्शन की तरफ एक बार जरूर ध्यान दे कि ये जो प्रॉब्लम था किस रिएक्शन पर बेस्ड था और वहां पर क्या हुआ है. उन्हें कहा है कि क्रोमेट आयन CrO4 नेगेटिव टू नेगेटिव, इसको हम क्रोमेट आयन कहते हैं. इसमें क्रोमियम प्लस 6 पर, जहां क्रोमियम प्लस 6 पर है उसे हम क्रोमेट आयन कहते हैं. हाइपो से रिएक्ट करा, दिस कॉल्ड हाइपो H2O3 टू नेगेटिव बेसिक मीडियम में टू गिव यू CrOH होल 3 और CrOH होल 4 और इसमें क्रोमियम प्लस 3 पर है और साथ में सल्फेट दिया. अब देखिए हम ABCNV फैक्टर लिख दे, फिर उन्होंने पूछा क्या है कितने ml सोडियम क्रोमेट 0.15 मोलर सोडियम क्रोमेट, कितने ml 40 ml 0.24 मोलर हाइपो से रिएक्ट करेगा. तो ABCNV फैक्टर लिख दे, CrO4 टू नेगेटिव जब यह CrOH 4 नेगेटिव देगा तो इसका प्लस 6 से प्लस 3 पर जाते समय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 कहा जाना चाहिए. पक्का है यह 3 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और हाइपो H2O3 टू नेगेटिव जब यह SO4 टू नेगेटिव पर जाएगा. तो देखिए H2O3 टू नेगेटिव में S2 पर यदि मैं ऑक्सीडेशन स्टेट देख लूं तो O3 टू नेगेटिव मतलब माइनस सिक्स प्लस समथिंग इक्वल टू -2, इट्स +4 इज इक्वल टू सल्फर एट +6, दो सल्फर एट +6. तो प्रोडक्ट साइड +12, रिएक्टेंट साइड +4, 8 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब निकल रहे होंगे. इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज इक्वल टू 8. नाउ मैं आपसे पूछता हूं मिलीमोल्स ऑफ हाइपो कितने हैं. मिलीमोल्स ऑफ हाइपो इज मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml. सो मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो कितने हो जाएंगे. मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो हो जाएंगे मिलीमोल्स ऑफ हाइपो इनटू ABCNV फैक्टर 8 इनटू 0.24 इनटू 40. दिस इज द मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो. अब इसी तरह से मैं आपसे पूछता हूं मिलीमोल्स ऑफ क्रोमेट आयन कितने हैं. मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml. तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्रोमेट आयन कितने हैं. मिली इक्विवेलेंट ऑफ
क्रोमेट आयन कितने हैं, एबीसीएनवी फैक्टर इनटू मिलीमोल्स, एंड इक्विवेलेंट कंसेप्ट सेज दैट मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्रोमेट आयन. मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्रोमेट आयन. इक्विवेलेंट कंसेप्ट बिल्कुल लास्ट सेशन में इक्वेट करके वॉल्यूम इन एमएल निकाल दीजिए. आंसर लाके 22nd प्रॉब्लम ट्राई कीजिए. कोई सा भी सवाल हो तो पहले पूछिए. पर्टिकुलर प्रॉब्लम उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड कोई सा भी क्वेरी हो तो पहले पूछो. हाँ जी, तो डायरेक्टली नॉमिनेटिव इनटू वॉल्यूम एनामेल करते हो, मिली इक्विवेलेंट डायरेक्टली आ जाता. हाँ, फिर तो डायरेक्टली इक्विवेलेंट आता ना. यदि नॉर्मलिटी दिया हुआ होता तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम एनामेल करते तो मिली इक्विवेलेंट डायरेक्टली आता. डायरेक्टली मोलारिटी दिया हुआ है तो मोलारिटी को पहले नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकाल दिया, फिर मिली इक्विवेलेंट निकाले. तो फिर पहले मोलारिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर दो और नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम एनामेल कर लो. इट्स ऑल सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. हाँ जी, हाँ हाँ करो ना, करो. आपके पास फुर्सत हो तो करो, बैलेंस करो, पूरा करो. हाँ बस यही तो मतलब, तुम्हारे पास फुर्सत तो है लेकिन मतलब कुछ ना कुछ कमी है. आप यदि सही तरीके से बैलेंस करोगे तो मोल कंसेप्ट से बिल्कुल सही आएगा. बिल्कुल सही तरीके से रिएक्शन को बैलेंस करो आप, तो मोल कंसेप्ट से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन वो तभी करो जब आप बहुत बड़े फुर्सत ये हो. मैंने सचमुच में जब सुपीरियर कंसेप्ट बताया है तो आप क्यों मोल कंसेप्ट में जाओगे. इस कंसेप्ट की खास बात यह है, एक तो लेस कैलकुलेशन और साथ में नो नीड ऑफ बैलेंसिंग द रिएक्शन. हाफ रिएक्शन देखो, एबीसीएनवी फैक्टर देखो, ये सब बात सोचो और कर दो. अननेसेसरी रिएक्शन को बैलेंस करने जाओगे, टास्क को बढ़ा लोगे, प्रॉब्लम पर फिर भी निश्चित होगा, निश्चित प्रॉब्लम को होना है. लेकिन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना होगा पहले, और हाफ रिएक्शन को बैलेंस करके ऐड करना होगा, फुल रिएक्शन ऑब्टेन करनी होगी, बैलेंस रिएक्शन, और फिर लगाना होगा. कहीं पर भी किसी भी स्टेप में दिक्कत हो तो पूछो. इधर जो करा हुआ है 22nd प्रॉब्लम करूंगा इसके बाद. ट्वेंटी सेकेंड प्रॉब्लम का डालता हूं. ML of 0.05 0.09 molar SeO2 reacted with 25.52 ML of 0.1 molar CrSO4. In the reaction, Cr2+ was oxidized to Cr3+. To what oxidation state selenium was converted into the reaction? Write the redox change of SeO2. देखिए, हम सबसे पहले यह देखें क्रोमियम के साथ क्या हो रहा है. क्रोमियम प्लस टू से प्लस थ्री पर जा रहा है. मतलब क्रोमियम ऑक्सीडाइज हो रहा है. यदि क्रोमियम ऑक्सीडाइज हो रहा है तो किसी और को रिड्यूस होना पड़ेगा, किसी दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा. किसका कम होगा? सेलेनियम का. सेलेनियम का SeO2 में +4 है और ये +4 से +N पर जा रहा है. वेयर डेफिनेटली N शुड बी लेस देन 4. यह बात कंक्लूड कर लीजिए, N शुड बी लेस देन 4 क्योंकि सेलेनियम का रिडक्शन निश्चित है. रिडक्शन हो रहा है मतलब N को लेस देन 4 होना चाहिए. अब हम कहते हैं एबीसीएनवी फैक्टर इसका क्या होगा? 4 माइनस N. दिस इज द एबीसीएनवी फैक्टर.
और इसका एबीसी एनर्जी फैक्टर क्या होगा? वन. क्रोमियम प्लस टू से प्लस थ्री पर जा रहा है इसलिए वन, और सेलेनियम का फोर माइनस है. अब हम कहते हैं मोलारिटी यदि यह है तो नॉर्मलिटी कितनी होगी? 0.0509 इंटू फोर माइनस एन, दिस इज द नॉर्मैलिटी. और इसकी नॉर्मलिटी कितनी होगी? 0.1 इंटू वन, दिस इज द नॉर्मैलिटी. दोनों की नॉर्मैलिटी लिख दी. अब इक्वलेंट ऑफ SeO2 इज इक्वल टू इक्वलेंट ऑफ CrSO4, मींस नॉर्मैलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml इज इक्वल टू नॉर्मैलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml. सॉल्व इट फॉर n. दिस इज द फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेलेनियम. और रिनॉक्स चेंज तो देख ही रहा है. 20 सेकेंड का आंसर निकाले और 24th प्रॉब्लम करना चालू करें. जैसे जैसे आपके प्रॉब्लम होते जा रहे हैं आगे बढ़ते जाओ, तेजी से करते जाओ. मैंने ऑलरेडी जो प्रॉब्लम कराने हैं लिखा दिए. देखिए, वॉट वेट ऑफ CO is required to form Re to CO10 from 2.5 gram of Re2O7 according to this reaction. अब देखिए वहां दे रखा है Re2 रिएक्शन, रिएक्शन दे रखी है. इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग Re2O7 रिएक्ट विथ CO टू गिव यू Re2CO10 प्लस CO2. Now, the interesting fact is you can't easily solve it by equivalent concept. आप इस प्रॉब्लम को equivalent concept के द्वारा easily solve नहीं कर सकते. और इनफैक्ट इस तरह के सवालों में equivalent concept के बजाय मोल कंसेप्ट ही ज्यादा इजी होता है. क्यों इसमें मोल कंसेप्ट ज्यादा इजी है, क्यों इसमें इक्विवेलेंट कंसेप्ट नहीं लगाया जा सकता, इस बात को समझो. ये जो CO है, देखिए Re2O7, इसमें जो रीनियम है, जो Re है, वह रिड्यूस हो रहा है. रीनियम रिड्यूस हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके. तो जितने इक्विवेलेंट रीनियम ऑक्साइड के हैं उतने ही इक्विवेलेंट कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज होने चाहिए. लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज होने के अलावा दूसरा भी एक रोल प्ले कर रहे हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड आयन को डिस्प्लेस होकर करके स्वयं भी लग रहे हैं. यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड दो रोल प्ले कर रहा है. एक तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऑक्सीडाइज होकर CO2 में जा रहा है, यह तो रिड्यूसिंग एजेंट के माफिक प्ले कर रहा है रोल. और एक वह कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक डिस्प्लेसमेंट एजेंट के रूप में रोल प्ले कर रहा है. क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इस रिएक्शन में दो रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए
इक्विवेलेंट ऑफ रेनियम ऑक्साइड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं कहा जा सकता। हम यह कह सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ रेनियम ऑक्साइड इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज ऑक्सीडाइज्ड, लेकिन वो तो थोड़े कम आएंगे। हमें चाहिए टोटल वेट ऑफ CO दैट रिएक्ट विद सम वेट ऑफ Re2O7। इक्विवेलेंट कंसेप्ट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में लगाना हल्का सा डिफिकल्ट है, इसलिए आई विल प्रेफर मोल कंसेप्ट। आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस द रिएक्शन, पहले रिएक्शन को बैलेंस करूंगा और रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद मैं मोल कंसेप्ट लगाना इसमें प्रेफर करूंगा। इक्विवेलेंट कंसेप्ट मुझको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा टिपिकल दिख रहा है। अब मोल कंसेप्ट लगाने के लिए रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। पहले Re2O7 गिविंग यू Re2CO10। अब देखिए 10 CO ऐसे के ऐसे ही 10 कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं से आ जाएंगे। Re तो ऑलरेडी बैलेंस है, 10 कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने पहले बैलेंस कर दिया, 10 कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने पहले बैलेंस कर दिया। Re2 ऑलरेडी बैलेंस है, 10 कार्बन मोनोऑक्साइड को बैलेंस करने के बाद अब 7 ऑक्सीजन बचे। 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या कहा, 14 H पॉजिटिव आयन कहीं से आएंगे, 14 H पॉजिटिव आयन 7 ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे और 7 वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। सारे स्पेशियस तो बैलेंस हो गए लेकिन चार्ज भी बैलेंस नहीं हो जाए हुआ है। चार्ज बैलेंस करने के लिए यह न्यूट्रल, यह न्यूट्रल, यह न्यूट्रल, यह न्यूट्रल, 14 H पॉजिटिव आयन जरूर 14 इलेक्ट्रॉन भी एब्जॉर्ब करेंगे और तब जाकर यह रिएक्शन होगी, चार्ज भी बैलेंस हो गया, हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब सेकेंड हाफ रिएक्शन बैलेंस करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो गिविंग यू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन कार्बन बैलेंस से एक ऑक्सीजन ज्यादा है, एक ऑक्सीजन 2 H पॉजिटिव के साथ में जोड़कर एक वाटर मॉलिक्यूल दे देगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हम कहते हैं 14 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड है के इधर 7 से मल्टीप्लाई करें, रिएक्शन को ऐड कर दें और 14 इलेक्ट्रॉन्स को काट दें और Re2O7 कंबाइंस विद 17 कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल कट जाएंगे, गिव्स यू Re2CO10 प्लस 7 CO2 एंड दिस कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन। अब हम कहते हैं Re2O7 का मॉलिकुलर वेट निकाल लीजिए, M1 ग्राम्स गिव्स 17 इंटू M2 ग्राम्स, इसका 1 ग्राम इट वुड कंज्यूम 17 M2 बाय M1 एंड 2.5 ग्राम्स ऑफ Re2O7 कंज्यूम 2.5 इंटू 17 M2 बाय M1 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। मोल कंसेप्ट, M1 ग्राम्स Re2O7, M1 इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Re2O7, Re2O7 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए, दैट वुड कंज्यूम 17 इंटू M2 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 17 इंटू M2 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हेंस 1 ग्राम ऑफ Re2O7 वुड कंज्यूम 17 M2 बाय M1 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हेंस 2.5 ग्राम ऑफ Re2O7 कंज्यूम 2.5 इंटू 17 M2 बाय M1 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। यूनिटरी मेथड, बेसिक यूनिटरी मेथड, एंड दिस इज द वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंज्यूम्ड। आंसर निकाले, 28 प्रॉब्लम करें। प्रॉब्लम 0.2274 ग्राम सैंपल ऑफ कॉपर ओर कंटेनिंग CuS लिबरेटेड आयोडीन व्हेन ट्रीटेड विथ एक्सेस KI। द लिबरेटेड आयोडीन रिक्वायर्ड
28.6 ml of 0.035 normal hypo Na2S2O3 5S2O. Determine the percentage of CUS in the O. Percentage of CUS पूछा. अब देखिए सबसे पहले तो हम रिएक्शन इन्वॉल्व जान ले. आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. ध्यान रखें, सल्फाइड आयन विथ पोटेशियम आयोडाइड गिव्स व्हाइट टर्मिनिटी ऑफ सल्फर विथ वायलेट कलर्ड सॉल्यूशन डिसॉल्व विथ आयोडीन. दिस इज द बेसिक रिएक्शन जो आपको जानना जरूरी है इस प्रॉब्लम को करने के लिए. सल्फाइड आयन विथ पोटेशियम आयोडाइड और विथ आयोडाइड आयन, सल्फाइड आयन के साथ यदि आयोडाइड आयन कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो व्हाइट टर्बिडिटी सल्फर की मिलती है. दिस इज व्हाइट टर्बिडिटी और साथ में वायलेट कलर्ड सॉल्यूशन आयोडीन का मिल जाता है. जो भी आयोडीन है इस, अब जितना भी वहां पर सल्फाइड आयन होगा उतनी ही KI रिएक्ट करके उतनी ही आयोडीन बन जाएगी. अब जितना भी आयोडीन बनता है उस आयोडीन का वायलेट कलर डिसअपीयर होता है हाइपोसॉल्यूशन से. रिएक्शन पर Na2S2O3 गिव्स यू Na2S4O6 along with NaI. यह बेसिक स्केलेटन रिएक्शन इन्वॉल्व रिएक्शन आपको लिखना कंपलसरी होती है. मैं कहता हूं इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो Na2S2O3 इज नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स. मैं कहता हूं द सेम मस्ट बी इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन क्योंकि यह हाइपो आयोडीन के साथ में रिएक्ट कर रहा है इसलिए इतने ही इक्विवेलेंट आयोडीन के होने चाहिए. इसलिए अब यह आयोडीन कहां से निकल रहा है? CUS से. द सेम मस्ट बी इक्विवेलेंट ऑफ CUS. इक्विवेलेंट ऑफ CUS आ गए 0.035 इंटू 28.6 बाय 1000. दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ CUS. जितने हाइपो के इक्विवेलेंट उतने ही आयोडीन के इक्विवेलेंट होने चाहिए और जितने आयोडीन के इक्विवेलेंट है उतने ही CUS के इक्विवेलेंट होने चाहिए. सेम इक्विवेलेंट रिएक्ट विद द सेम इक्विवेलेंट टू गिव यू सेम इक्विवेलेंट. जितने इक्विवेलेंट CUS के हैं उतने ही इक्विवेलेंट आयोडीन के मिलेंगे और जितने इक्विवेलेंट आयोडीन के मिले उतने ही इक्विवेलेंट हाइपो से रिएक्शन होगी. तो इतने इक्विवेलेंट CUS के. अब CUS में सल्फर कहां से कहां जा रहा है? -2 से 0 को. चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2. एबीसी एनवी फैक्टर इज 2. हेंस मोल्स ऑफ CUS कितने हो गए? मोल्स ऑफ CUS इज इक्विवेलेंट ऑफ CUS. दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ CUS डिवाइडेड बाय एबीसी एनवी फैक्टर. दिस इज द मोल्स ऑफ CUS. हेंस वेट ऑफ CUS कितना हो गया? वेट ऑफ CUS इज मोल्स ऑफ CUS इंटू इट्स मॉलिक्यूलर वेट. हेंस परसेंटेज CUS कितना हो गया? परसेंटेज CUS इज वेट ऑफ CUS 0.035 बाय 1000 इंटू 28.6 बाय 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल वेट. टोटल वेट इज 0.227 into 100. This is percentage CUS. Calculate in order to get the answer. Proceed with 31st problem. Gram of limestone CaO
was dissolved in acid and the calcium precipitated as calcium oxalate. The precipitate was filtered, washed and dissolved with dilute H2SO4. This solution required 40 ml of 0.25 normal KMnO4 for a titration. Calculate percentage CaO in limestone sample. देखिए लाइमस्टोन एक्चुअली CaO होता है. इट यूज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड और उस लाइमस्टोन में कुछ CaO वाटर को एब्जॉर्ब करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कुछ CaO कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके CaCO3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. एनीवे वो CaO होता है. 0.56 ग्राम सैंपल ऑफ CaO लिया, उसको एसिड में डाला, तो CaO को जब ऑक्सैलिक एसिड में डालेंगे तो वहां पर यह रिएक्शन हो जाएगी, कैल्शियम ऑक्सेलेट मिल जाएगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा. अब ये जो कैल्शियम ऑक्सेलेट है इसको फिल्टर करा, ड्राई करा, और जो ड्राई कैल्शियम ऑक्सेलेट है, जो ड्राई कैल्शियम ऑक्सेलेट है उसका सल्लेशन बनाया. उसमें जो ऑक्सेलेट आयन है वह KMnO4 के द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाता है, KMnO4 रिड्यूस हो जाता है और ऑक्सेलेट आयन CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है. और दिस इज द बेसिक स्केलेटन रिएक्शन. यह बेसिक रिएक्शन है जो वहां पर होती है. कैल्शियम ऑक्सेलेट का ऑक्सेलेट आयन KMnO4 के द्वारा ऑक्सीडाइज होता है CO2 में और KMnO4 रिड्यूस होता है Mn2+ में और KMnO4 इतना कंज्यूम होता है. अब देखिए इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 कितना है. Equivalent of KMnO4 is normality into volume in liters. And the same must be the equivalent of oxalate ion. इतने ही equivalent oxalate ion के होने चाहिए. अब oxalate ion कितने electron transfer करता है इसे देख लें. Oxalate ion दो CO2 के मॉलिक्यूल्स देगा और साथ में दो इलेक्ट्रॉन देगा. ऑक्सेलेट आयन दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, इसलिए ऑक्सेलेट आयन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है. इसलिए मोल्स ऑफ ऑक्सेलेट आयन हम निकाल सकते हैं. मोल्स ऑफ ऑक्सेलेट आयन इज 1/2 ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सेलेट आयन. This is the equivalent of oxalate ion upon 2, the moles of oxalate ion. और जितने moles oxalate ion के, अब देखिए, एक mole oxalate ion, एक mole CaO से react करता है. Mole concept लगा रहा हूँ मैं कहता हूँ, this is the moles of CaO. इतने ही moles CaO के. Hence, weight of CaO कितना हो गया? Weight of CaO हो जाएगा moles of CaO अपॉन इट्स इंटू इट्स मॉलिकुलर वेट. परसेंटेज CaO कितना जाएगा? परसेंटेज CaO वुड बी वेट ऑफ CaO दिस इज द वेट ऑफ CaO अपॉन टोटल वेट इंटू 100. दिस इज परसेंटेज CaO.